रेल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब भारत तो काफी आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर इनफैक्ट काफी बड़े बड़े देशों को भी अब भारत पीछे छोड़ता जा रहा है। दरअसल अब दिल्ली मुंबई आरआरटीएस कॉरिडोर में तो दुनिया का सबसे एडवांस यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 3 इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो चुका है। अब काफी लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि हमने जो कवच सिस्टम डिजाइन किया था उसका क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि वो अलग सिस्टम है, वो एंटी कोलिजन सिस्टम है और ये है ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। पूरे दुनिया में इसे मोस्ट एडवांस ट्रेन सिग्नलिंग सिस्टम एवर क्रिएटेड माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि हम काफी फ्रीक्वेंसी में वो भी हाई स्पीड कैपेबिलिटी वाली ट्रेन्स को दौड़ा सकते हैं, चाहे 2 मिनट 5 मिनट, इतनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हो सकती है बेहद ही सेफ अंदाज में। पूरे दुनिया में भारत ये जो सिस्टम लगा रहा है ये सबसे ज्यादा यूनिक है। अब यूनिक क्यों है, इसलिए है क्योंकि पहली बार पूरे दुनिया में हम 2 कॉम्बिनेशन के साथ, सबसे पहले तो हो गया ये यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम और दूसरा तो लेटेस्ट इंटरलॉकिंग एंड ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन ATO, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ओवर LTE, दैट मींस जो हमारा लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन रेडियो है, इसे भी डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि काफी हाई और बेटर हेडवेज रखा जा सके 2 ट्रेन के बीच में। लगभग 30,000 करोड़ रुपीज का ये पूरा प्रोजेक्ट 2025 तक तो बनकर तैयार भी हो जाएगा। इसके अलावा आपने सबसे बड़ी बात ये भी देखी होगी कि दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर की वजह से ही हमारे देश में पहली बार यहाँ पर ब्लास्टलेस हाई स्पीड ट्रैक्स का भी बनना काम ये शुरू हो चुका है और अब मेड इन इंडिया इस तरह के बेहद ही अनोखे ट्रैक्स को पूरी तरह से हाई प्रोडक्शन में ला दिया गया है, जिसके चलते आने वाले समय में हम काफी आसानी से और भी इस तरह के RRTS कॉरिडोर को अंजाम दे सकते हैं। वैसे ये जो प्रायोरिटी वाला सेक्शन है शाहीबाबाद और दुहाई फिर डेपो स्टेशन, इनका कंस्ट्रक्शन तो ऑलमोस्ट अब लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है। अब सिग्नलिंग इक्विपमेंट भी लगना शुरू हो गया है, ट्रेन्स भी आ गई है, आपने देखी होगी रिसेंट तस्वीरें, कितनी सुंदर ट्रेन्स यहाँ पर अब दौड़ने के लिए तैयार है। इनफैक्ट इस साल में ही इसके ट्रायल रन्स भी शुरू हो जाएंगे। सो ये डेफिनेटली काफी रिमार्केबल पोजीशन हो जाएगी भारत के लिए, जिस तरह से इतनी एडवांसमेंट अब आ चुकी है हमारे रेलवे सेक्टर को लेकर। इसके बारे में आपकी क्या राय है डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।